जोहार, गुड मॉर्निंग। न्यू ब्लॉग से फिर से आप लोग का स्वागत है। तभी मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। देखिए, नमिता भी सोई हुई है और इधर ज्योति और इंदु भी सोई हुई है। आप लोग को नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि लाइट ऑफ है। तो आज मम्मी घर पे नहीं है तो खाना बनाने के लिए उठे हैं। तो अभी 3:30 बज चुका है और पापा इधर सोए हुए हैं, तो मैं अभी चलती हूँ खाना बनाने के लिए। देखिए, अंधेरा दिख रहा है और कब बनेगा पता नहीं, क्योंकि बहुत लेट की उठने में। पापा शायद तभी आवाज़ दे रहे थे तो हम लोग सुने नहीं, नमिता का आवाज़ दिए थे तो नमिता भी नहीं सुनी। तभी चलिए जल्दी जल्दी चढ़ाते हैं और खाना बनाते हैं। पता नहीं काम जाने तक बना पाते भी हैं या नहीं। तभी इधर मैं केतली सबको देख रही हूँ कि इसमें खाना चढ़ाना है, समझ में नहीं आ रहा है। और नींद भी लग रहा है क्योंकि जो लड़की 6 बजे उठती थी आज वो 3:30 बजे उठी है। तो आप लोग सोच सकते हैं उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। तभी देखिए, मैं खाना भी चढ़ा दी हूँ और जल्दी से सब्जी वगैरह देख रही हूँ क्या करना है क्या नहीं। तो पहले मैं चावल निकाल लेती हूँ, तो सूप मैं पकड़ ली हूँ इधर पे। और चलिए अभी चावल निकालने के लिए जाते हैं। तो अंदर का रूम पे हम लोग चावल रखते हैं, बाहर पे नहीं रखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं। इधर भी अंधेरा है तो थोड़ा सा मेरे को डर भी लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ और हमारे यहाँ पे मतलब भगवान सब है, तो मैं पहले भगवान को प्रणाम कर लूँगी। तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माता दी, हे महाकाल सबकी रक्षा करना। तो मैं यहाँ पे भगवान को प्रणाम भी कर ली। अब यहाँ से मैं चावल निकालती हूँ। तो यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ है डिक्ची में, जो आप लोग देखे, जो हम लोग को राशन मिला है। और ये है घर का चावल। तो हम लोग पैला में नापते हैं। तो आप लोग कैसे नापते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं सोच रही हूँ कितना निकालूंगी क्योंकि हम लोग घर में कम मेंबर्स है। तो मम्मी हो सकता है तो सुबह तक आ जाएगी या फिर हो सकता है शाम में आएगी। तो वही मैं सोच रही हूँ, तो सोच के मैं चावल निकाल रही हूँ। तो चलिए इधर चावल भी निकाल ली हूँ। तो चलिए अभी चावल को लेके चलते हैं किचन रूम और जल्दी से यहाँ का जो भूसी वगैरह है उसको निकालना है, क्योंकि भूसा है कि घर का चावल है ना, तो इसमें भूसी मिलता है। तो मेरे को ज़्यादा भूसी रहने से निकालने भी नहीं आता है उतना अच्छी तरह से, क्योंकि ज़्यादा भूसी वाला मम्मी ही निकालती है और मैं कभी निकाली नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, क्या कर सकती हूँ। तो अभी चलिए चलते हैं और जल्दी जल्दी से भूसी निकाल लेते हैं यहाँ का। देख सकते आप लोग कितना अंधेरा है, बापरे। तो यहाँ पे मैं भूसी भी निकालना स्टार्ट की हूँ। पत्थर पत्थर के ऐसे करके निकालना पड़ता है, जो भी गंदगी रहती है वो निकल जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो पानी भी धो सकते हो, पानी ये धोने से भी निकलता है गंदा। तो भूसी पानी में कितना धोइएगा नहीं निकलता है, उसको पत्थर के निकालना पड़ता है। जो हर कोई गाँव में ऐसे निकालते हैं और जो हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं, वो चावल को भी एक बार नहीं पछरिएगा, डायरेक्ट पानी में धोइएगा तो उसमें भी नहीं निकलता है। इसलिए पछर के पहले निकालना पड़ता है, क्योंकि जो चावल पे जो लगा हुआ है धूल वगैरह वो आपका पानी से निकल सकता है, लेकिन जो छोटा छोटा कण वगैरह कण मिलता है ना, वो कभी पानी से नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पछर रही हूँ जल्दी जल्दी पछर के। और अभी खाना भी जल्दी बनाना है क्योंकि पापा काम के लिए जाएंगे। उनका भी देखिएगा किस का एंट्री होगा, क्योंकि इंदु भी मेरा पछर में का आवाज़ सुन के वो उठ जाती है। तो देखिए इंदु का भी एंट्री हो गया है, तो ये बेचारी टूट टूट के आ गई है मेरे पास। इंदु भी आती है।
आलू चल ठीक है लाने, आलू लाने इतने लेने का तो कहाँ मिल गया। क्या सब्जी बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो मम्मी लाई थी करेली, जो जंगली करेली है, छोटा छोटा जो मिलता है, जो हम लोग का यहाँ इधर पे मिलता है जंगल तरफ, जो बारी में उगाते वो वाला नहीं। तो देखिए काटते काटते मेरे को कैसा वाला करेली मिल गया, ये करेली जोरंडा है, मतलब बोले तो जोरठा। ये एक ही करेली में दो है, तो इसको हम नहीं काटे और उसके बाद फिर हम चढ़ा दिए करेली को भूनने के लिए। पहले करेली को चढ़ाया, उसके बाद देखिए आलू भी छोटा छोटा काट के रखे हुए, उसको पानी में धो के रखे हुए हैं, और खाना जल्दी नहीं बनने के कारण मैं चूल्हा पे चलाई हूँ, तो देखिए चूल्हा भी नहीं जल रहा है अच्छा से, बार बार बुझ जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जल्दी नहीं हो रहा था। सब्जी भी बनाना है और खाना पकाना है, तो इसलिए मैं चूल्हा पे चढ़ाई हूँ, तो सब्जी भी लगभग बन ही चुका है। तो अभी ये तो भुजिया बन रहा है, फिर मेरे को और कुछ दाल या कुछ बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं ढक देती हूँ। और देखिए मैं जल्दबाजी का चक्कर में ज़्यादा तेल डाल दी थी तो वो गिर गया है। तो अभी देखिए मेरा खाना भी बन चुका है और घर भुजिया भी रेडी हो गया है, तो चलिए चलते हैं बाहर, आप लोगों को दिखाते हैं कितना सवेरा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं चढ़ाई हूँ मार साग के लिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, तो टमाटर है, टमाटर को मैं मसाला वगैरह कर देके और फिर उसमें मार डाली हूँ, जो हम लोग गाँव देहात में मार साग। मैं सोच रही थी जल्दी बनाऊँगी लेकिन पूरा सुबह हो चुका है, और इधर पे जो हम लोग का घर में है चेंगा चुनी सब ढका हुआ है, और देखिए भाई आके सोया हुआ है क्योंकि वो बाहर पे सोता है, और देखिए बज रहा है 5 और इतना देर लग गया मेरे को खाना बनाते बनाते, पता नहीं कब दूंगी। और चलिए मैं बाहर देखिए बाहर तो बकरी सब भी निकाल दिए हैं, और देखिए यहाँ पे मार साग भी डाल दिया, और यहाँ पे ए बाबा ये क्या हो रहा है, की हो रहे, अरे ये खाची कैसे इसे घसक रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोग सोच रहे हो ना कि ये क्या है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या है। तो देखिए यहाँ से निकले 2 महाजन जो घर पे दिन भर सबको परेशान करके रखते हैं, तो यहाँ पे इन लोगों को मैं खाने के लिए निकाल दी हूँ। तो देखिए सब लोग कैसे आ रहे हैं, मैं इन लोगों को खाने के लिए दे रही हूँ, तो इन लोगों को मैं पहले ही गमला में खाने के लिए दी थी भूसा, जो कि लोग ख़त्म कर चुके हैं, और बत्तख को कितनों खिलाने से ना उन लोगों का पेट कभी नहीं भरता है, जितना उन लोगों को दीजिएगा उतना उन लोग खाएगा। तो मैं रात का बचा हुआ बासी खाना था उसको मैं दे रही हूँ, तो देखिए मुर्गी को दे रही हूँ, लेकिन मुर्गी से पहले तो ये लोग बत्तख ही आ गए, और ये सारे हम लोग का है। तो किसका किसका घर पे बत्तख है मुर्गी है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। यार खाना तो बन गया लेकिन पापा का गाड़ी खराब हो गया है, और ये हैं पापा के साथ में जो उसका लेबर लोग हैं वो लोग हैं, और देखिए इतना मेहनत से पापा के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाई, सुबह तो हो ही गया लेकिन पापा का गाड़ी भी खराब हो गया, और देखिए पापा लोग बना रहे हैं गाड़ी, पता नहीं बन पाता भी है या नहीं। तो बहुत टेंशन है यार लाइफ पे, काम करने के जाने का समय ही गाड़ी को खराब होना था, इतना गर्मी लग रहा है ना मत पूछिए। अभी मैं नहा धो के आके खाना खा के बैठी हुई तो और मेरे को और ज्यादा गर्मी लग रहा है, और अभी बज रहे हैं 12:15 और पापा का गाड़ी खराब हो गया, तो बहुत मुश्किल में बना, 9 बजे गए हैं पापा काम के लिए, तेल लीक हो रहा था उनका गाड़ी का, तो उनका मालिक आया है, पापा लोग आप लोग देखे थे कि पापा लोग मतलब खोल रहे थे उसको, तो उसका मालिक बाद में आया फिर उसको रेडी किया, और मैं तो जल्दी इतना उठती नहीं हूँ, तो आज उठी थी मम्मी नहीं थी इसलिए खाना बनाने के लिए, तो मेरे को फिर से नींद लग रहा था, तो मैं खाना वगैरह बना के फिर बत्तख सबको खाने के लिए दे के और फिर मैं सो गई थी, फिर उठ के और फिर नहा धोहा के आके फ्रेश हुई, फिर पूजा पाठ करके फिर अभी खाना खा के बैठी हुई हूँ, तो लाइट का इंतज़ार करी कि लाइट आएगा, तो ये पंखा है ये थोड़ा सा घूमेगा लेकिन क्या करूँ, ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम लोग आज वैसा का है ना अभी अच्छा तो ज़्यादा गर्मी लगती है, और मम्मी पता नहीं कब आई, इतना धूप में मतलब उसे अभी नहीं आएगी तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत गर्मी है और उधर पैदल भी चलना पड़ता है, और लोग तो सोई भी है, मैं बस आप लोग से बात कर रही हूँ, लोग तो सोई है, हालत तो बहुत ख़राब है यार, इतना गर्मी लग रहा है ना क्या करूँ समझ ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को ब्लॉग्स भी एडिट करना है और
तो जाऊंगी पेड़ के तरफ तो दिखेगा नहीं फोन पे, क्योंकि मेरा फोन का क्वालिटी थोड़ा कम हो गया है, ब्राइटनेस भी कम हो गया है, फुल ब्राइटनेस देने से भी थोड़ा कम दिखता है। पता नहीं, हो सकता है शायद मैं फोन देख देख के मेरा आंखें कमजोर हो गई है कि क्या नहीं। तो अभी जो भी होगा ऐसे ही झेलना पड़ेगा मेरे को। चलिए अभी पहले ब्लॉग एडिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए ज्योति आम खा रही है पूरा, ए फिर गंदा कर रही। कैसा लगा? और इतना सारा मैं आम लेके आई पूरा पकल पकल। दरवाजा खोला, मैं भी खा रही हूँ तो फोन उल्टा साइड पे पकड़ी हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा इधर और हवा अभी भी करते हैं। कहाँ जाती? देखिए भैया को बकरी चराने जा रहा है और धूप भी कर रहा है और पानी भी पड़ रहा है। गजब मौसम करता है आजकल तो गजब। और मम्मी जी सब वहाँ पे बैठे ले मचा के पास, थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी। मेरा भी थोड़ा सा हवा किया था उसी समय मैं गई थी लेने के लिए आम, और उधर ऊपर तरफ का बच्चा लोग भी आ रही है आम खाने के लिए। कहाँ लगी ला रही? तो दोस्तों आज मैं आई, अभी मतलब आज नहीं अभी आई हूँ रील शूट करने के लिए। तो ये है हमारा घर तरफ का ग्राउंड और मौसम अभी मस्त साफ किया है। देखिए अभी धूप किया है, तभी से तो बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा मौसम साफ किया तो सोची मैं घर पे हूँ तो क्यों ना रील शूट किया जाए। तो रील शूट किया जाए तभी मैं पहनी हूँ लहंगा। कैसी लग रही हूँ तभी पहले रील शूट कर लेते हैं। और हाँ आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बहुत व्यू कम हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हुआ, आप लोग के साथ पसंद नहीं आ रहा है। अगर कुछ कमी है तो कमेंट करके भी बताइएगा। और बहन सभी साथ में आइए, इधर बच्ची भी चल रहा है, उधर पे बेटी भी है। बता तेरी मौसी कैसी लग रही है, बता तेरी मौसी कैसी लग रही है, बता। जिंगल कुछ नहीं बोल रही है। तो चलिए अभी रील शूट कर लेते हैं फिर घर जाएंगे, क्योंकि घर पे और भी काम है। मम्मी कि मम्मी आप लोग देखे ही ब्लॉग में डांटती है। अभी आ रहे थे तो मिली मम्मी ने, मैं पता है मम्मी बोल रही कहाँ जाती, उसको लगा था तू जा रही है, बोले रील शूट करने घर काम ना खा है क्या करें भाई। तो चलिए अभी रील शूट कर रहे थे क्योंकि मेरे फोन पे बैटरी भी नहीं है और ऊपर से थोड़ा सा मौसम खराब करता है, लाइट ही चलता क्या ही बोले, हमारा नसीब बहुत खराब है। तो ये ग्राउंड एक बार दिखाइए जो इधर सीधर पूरा ऐसे करके ऐसे करके। चलिए आज का ब्लॉग सही था, किन करते हैं गाइस, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।